क्वेश्चन है, एक एलसीआर सर्किट है, ये रहा एलसीआर सर्किट है, एक एल है, सी है और आर है, दो स्विच लगे हुए हैं। इन दो स्विच के अंदर स्विच एस वन इज क्लोज्ड, मैंने एस वन को बंद कर दिया। जैसे ही मैंने एस वन को बंद किया, टाइम टी इक्वल टू जीरो, कुछ करंट इंडक्टर के अंदर भी क्रॉस करने की कोशिश करेगा। फिर इंडक्टर क्या कहता है, टाइम टी इक्वल टू जीरो पे मैं मैक्सिमम अपोजिशन शो करूंगा और मैं करंट को पास नहीं होने दूंगा, तो सारा करंट यहाँ से चला गया। तो करंट कहाँ गया, आर सी में। कैपेसिटर की चार्जिंग स्टार्ट हो गई, चार्ज भरना स्टार्ट हो गया, राइट। तो आपको ये बताना है, एट टाइम टाउ बाई टू, टाइम टाउ मीन्स टाइम कॉन्स्टेंट, इस टाइम कॉन्स्टेंट बाई टू टाइम पर क्या चार्ज इतना हो गया या इतना हो गया या इस टाइम पे इतना हो गया। तुम एक काम करो, पहले तुम इंस्टेंटेनियस चार्ज बताओ। जब तुम ग्रोथ ऑफ चार्ज करते हो या जो है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर करते हो, तो ये चार्ज ऐसे ग्रो करता है। मैक्सिमम चार्ज क्या होता है, सी वी होता है। यहाँ पे अब तुम हिट एंड ट्रायल मारोगे, टाइम टाउ बाई टू पुट करोगे स्मॉल टी की जगह, सॉल्व करोगे और चेक करोगे चार्ज इतना है कि नहीं। टाउ पे चेक करोगे, टू टाउ पे चेक करोगे, तो जो भी करेक्ट ऑप्शन है वो मार्क कर लेना। पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है, टोटल मैथमेटिकल है, मैथ्स लगा के इसको सॉल्व करके देखना आप लोगों ने, कॉन्सेप्ट पर समझ में आ रहा है कि क्या कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक। इस क्वेश्चन को देखें, तो क्वेश्चन है कि फिगर शोज एक्सपेरिमेंटल प्लॉट फॉर डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। तो कैपेसिटर की क्या हो रही है, डिस्चार्जिंग हो रही है, चार्ज कम हो रहा है। कह रहे इस ग्राफ को देखते हुए क्या तुम बता सकते हो टाइम कांस्टेंट किस रेंज में लाई करेगा, ये क्वेश्चन है। ग्राफ किसके किसके बीच में है, ग्राफ वोल्टेज में और टाइम के बीच में। डिस्चार्जिंग में चार्ज घटता 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 जाता है, वोल्टेज भी घटती 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 जाती है। चार्ज कैसे घटता है, Q इज इक्वल टू क्यू नॉट ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। जो चार्ज की डिस्चार्जिंग होती है उसका फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया हुआ था, Q इज क्यू नॉट ई रेज टू पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई टाउ, ये वैल्यू है। और अगर तुम C से मल्टीप्लाई कर दो इन्हें, तो सॉरी अगर तुम इसमें C से डिवाइड कर दो इन्हें, तो तुम्हारे पास ये जो वैल्यू है वो V बन जाएगी और ये V नॉट बन जाएगी। तो वोल्टेज का फॉर्मूला क्लियर है यहाँ पर, क्या वोल्टेज का फॉर्मूला बन गया। तो जब डिस्चार्जिंग हो रही होगी तो वोल्टेज ऐसे चेंज होगी, और एक्सपोनेंशियल ग्राफ तुम्हें दिया हुआ है इसका आगे। अब अगर तुम ये देखो कि टाइम कांस्टेंट टाउ पे, अगर मैं यहाँ पे टाइम कांस्टेंट की जगह टाउ पुट कर दूँ, अब मैथ्स की प्रॉब्लम है, ई की पावर माइनस टाउ बाई टाउ वन हो जाएगा, सॉल्व करोगे तो ये टर्म आ जाएगी और ये टर्म है 0.37 ऑफ वी नॉट। तो एक टाइम कांस्टेंट पे जो वोल्टेज है वो इतनी हो जाती है, और टाइम टी इक्वल टू जीरो पे वोल्टेज कितनी है, 25। वो कैसे, टाइम टी इक्वल टू जीरो पे मैक्सिमम वोल्टेज कितनी है, 25 स्टार्ट हुई थी, तो वी नॉट की वैल्यू कितनी है, 25 है। तो V नॉट की वैल्यू यहाँ पर 25 है t इज इक्वल टू जीरो पे, और टाइम कांस्टेंट पे वोल्टेज कितनी है, 0.37 इंटू 25 से मल्टीप्लाई करके V की वैल्यू आ गई। तो इस टाइम कांस्टेंट पे, तो एक टाइम कांस्टेंट पे वोल्टेज 9.25 है। चलें ग्राफ में, वोल्टेज 9.25 पे टाइम कांस्टेंट आएगा, तो वोल्टेज 9.25 यहाँ कहीं मिलने वाला है आपको, 9.25 यहाँ कहीं मिलेगा ऐसे, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ टाइम कांस्टेंट आएगा, यानी कि 100 और 150 के बीच में लाई करेगा आंसर है। तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को ट्राई किया,
किया जा रहा है, सॉल्व किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेजिस्टर आर है एंड 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इन सीरीज इज कनेक्टेड थ्रू अ स्विच टू 200 वोल्ट डायरेक्ट सप्लाई। एक आर है और एक सी है, आर सी है। आर पता नहीं, सी पता है, 200 वोल्ट की डायरेक्ट सप्लाई है। डायरेक्ट का मतलब डीसी सप्लाई है। अक्रॉस द कैपेसिटर एक नियॉन बल्ब दैट लाइट्स अप एट 120 वोल्ट कनेक्ट किया गया। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आर टू मेक द बल्ब लाइट अप आफ्टर 5 सेकेंड आफ्टर द स्विच हैज बीन क्लोज। तो मैं चाहता हूँ स्विच क्लोज करने में 5 सेकेंड के बाद बल्ब जगे और बल्ब कैपेसिटर के साथ लगा दिया हुआ है। तो आर है और सी है। अब आर सी सर्किट में क्या होगा, जब आप स्विच ऑन करोगे तो चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर स्टार्ट हो जाएगा। वोल्टेज वी इज इक्वल टू वी नॉट 1 - e की पावर -t / tau, का मतलब आर सी हो जाएगी। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ इसमें, इसके अंदर वोल्टेज की वैल्यू जो मैक्सिमम वोल्टेज है वो 200 है और बल्ब जो हमें चलाना है वो कितने वोल्ट पे चलाना है, 120 पे चलाना है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे 200 पुट करते हैं, यहाँ पे 200 पुट करते हैं, यहाँ पर 120 पुट करते हैं और टाइम की वैल्यू निकालते हैं। और सॉरी, टाइम भी गिवन है 5 सेकेंड और कैपेसिटेंस भी गिवन है, यहाँ से आर निकाल लेते हैं। तो जब वोल्टेज 120 होगी बल्ब ऑन हो जाएगा। तो आपको आर निकालने आ रहा क्या, ये गलत है, यहाँ पर 120 है। ठीक, जैसे ये क्वेश्चन है, सी बी दी कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। अब वो डिस्चार्जिंग हो रही है कैपेसिटर की। मान लो T1 इज द टाइम टेकन फॉर एनर्जी टू स्टोर्ड इन द कैपेसिटर टू रिड्यूस द हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। तो एनर्जी U की जगह U/2 हो गई, टाइम टेकन T1 है। फिर दूसरा केस है, टाइम टेकन फॉर चार्ज टू रिड्यूस 1/4 ऑफ द इनिशियल वैल्यू, चार्ज Q से Q/4 हो गया, टाइम टेकन T2 है। इसकी रेशियो निकालो। ये भी नॉन मेडिकल की ही प्रॉब्लम है। इसमें एनर्जी का फॉर्मूला हाफ Q2/C है। डिस्चार्जिंग का केस है, डिस्चार्जिंग में चार्ज का ये फॉर्मूला था किसी भी इंस्टेंट पे। तो सॉल्व करके स्क्वायर करके ये वैल्यू आ गई। एनर्जी की वैल्यू कितनी करनी है, यहाँ पर U की जगह U0/2, क्योंकि ये वैल्यू कितनी है, ये जो वैल्यू कितनी है कोफिशियंट, ये U0 है, मैक्सिमम एनर्जी है। हाफ इंटू Q0/2 मैक्सिमम एनर्जी है। और आपकी एनर्जी कितनी हो गई, U0/2 उसे कहा क्वेश्चन में। और टाइम टेकन कितना है, T1 है। तो मैथ लगा के T1 सॉल्व करना। और सेकंड केस में चार्ज क्यू की जगह Q0/4 है और टाइम टेकन कितना है, T2 है। तो मैथ लगा के T2 सॉल्व करना और फिर T1 T2 की रेशियो निकाल लेना। ये मैथ्स का क्वेश्चन है, मेडिकल वालों को नहीं आएगा। मैथ्स वाले जानते हैं एक्सपोनेंशियल लॉग कैसे निकालने हैं। सही है। नेक्स्ट है, तो क्वेश्चन है, एक वी है और एक स्विच है, एक एल है, R1 R2 है। जैसे मैं स्विच को क्लोज करता हूँ तो अब करंट बताना है। जैसे मैं स्विच को क्लोज करूँगा सबसे पहले काम क्या होगा, इंडक्टर मना करेगा कि मैं करंट को पास नहीं होने दूंगा, ऐसा ही है। तो क्लोज करेंगे जब K को,
तो इंडक्टर वाली ब्रांच में कुछ जाएगा नहीं, तो करंट कहाँ जाएगा, आर टू में जाएगा। तो करंट कितना जाएगा, वी बाई आर टू जाएगा, कब, टी इज इक्वल टू जीरो पे। टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे इंडक्टर कहता है देखो बात ऐसी है कि मैं लगा तो रहूँगा, कहूँगा कुछ नहीं, यूज़ मेरा कोई नहीं है। तो ये दोनों के दोनों किस में हो जाएंगे, इन पैरेलल। तो ये क्वेश्चन ऐसा बन गया, पहले केस में सिर्फ आर टू लेना है, दूसरे केस में आर वन आर टू का कॉम्बिनेशन पैरेलल में लेना आंसर। तो करंट निकाल देना आई वन आई टू करंट को डिवाइड करके जो भी ये निकाल सर आगे ऑप्शन मार्क कर लेना। नेक्स्ट है ये 5-7 प्रॉब्लम ज़्यादा नॉन मेडिकल की प्रॉब्लम है, मेडिकल की नहीं है, तो ज़रा जो मेडिकल के हैं बस 5-7 मिनट वेट करो प्लीज़। देखो ये थोड़ी ट्रिकी प्रॉब्लम है जो मुझे लगा, थोड़ी सी ज़्यादा नहीं थोड़ी सी बस हल्का देखने वाली बात है। इसमें इसमें 12 वोल्ट की बैटरी है, नॉर्मली हमारी प्रॉब्लम में L और R लगे होते हैं बस, यहाँ पे R1 भी है, L भी है और R2 भी है, सब कुछ लगा हुआ है और ये दोनों पैरल कॉम्बिनेशन में गिवन है। तो इसमें करंट I1 I2 जाएगा। अब क्या प्रॉब्लम है, R1 R2 दोनों दो दो ओम गिवन है, L भी गिवन है, 12 वोल्ट की बैटरी भी गिवन है, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी नेगलिजिबल गिवन है। स्विच को मैंने क्लोज किया एट टाइम टी इक्वल टू जीरो, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द एल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा, तो टी इक्वल टू जीरो पे, टी इक्वल टू जीरो पे या पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा क्वेश्चन है। अब देखो ये ना बड़ी अजीब सी सिचुएशन है, इसमें मैं बताता हूँ कैसे। तो फंक्शन ऑफ टाइम निकालना मतलब टाइम के साथ कैसे चेंज होगा ये भी बताना है आपको। तो इसके अंदर क्या किया इसने, सबसे पहला काम इसमें ग्रोथ ऑफ करंट लगने वाला है, क्योंकि जब बैटरी ऑन करोगे धीरे धीरे करंट इंडक्टर में बढ़ेगा, तो I2 में तो ग्रोथ ऑफ करंट का फॉर्मूला लगेगा। लेकिन जैसे T इक्वल टू जीरो था, इंडक्टर ने कहा कि मैं तो अपने अंदर से करंट को पास होने दूंगा नहीं, सारा का सारा करंट इसमें चला गया, कितना चला गया, 12/R1। तो शुरू में करंट कितना गया, 12/R1, और यही इसका मैक्सिमम करंट था। आई नॉट भी यही है, क्योंकि बैटरी जो करंट निकाल पा रही है वो इंडक्टर को नहीं दिया तो क्या हो गया, इसको तो दिया, तो आई नॉट की वैल्यू क्या आएगी, 12/R1 का मतलब है 12/6 आएगी। तो मैक्सिमम करंट समझ में आया, क्यों आया, कैसे निकला, तो आई नॉट आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, आई टू निकालना है, आई टू में तो कुछ करना ही नहीं है, आई टू करंट क्या होगा, ग्रोथ ऑफ करंट का फॉर्मूला लगा लिया और आई नॉट की जगह क्या पुट कर दिया, 6 बताया मैंने, कैसे कैलकुलेशन करनी है, 6। तो आपको टी को टी रखना है और टाउ का मतलब क्या है, टाउ का मतलब है एल बाई आर, एल पता है, आर पता है, टाउ भी पता है, तो आपके पास ये आई टू आ गया। प्रॉब्लम ये है कि आपको आई टू नहीं निकालना, आपको यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है कितना है। अब यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलेगा, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे निकलेगा, टोटल कितना है 12, अब इसके अक्रॉस टोटल कितना है 12, आई टू आप निकाल चुके हो, आई टू आप निकाल चुके हो, इस I2 को R2 यानी कि 2 ओम से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस आ गया I2 into R2, इसका पोटेंशियल डिफरेंस, पर आपने तो इसका निकालना है, तो 12 में से I2 R2 क्या कर दो, माइनस, तो वैल्यू आ गई। तो 12 में से माइनस करेंगे R2 I2 I2 आप निकाल चुके हो टाइम की फॉर्म में, R2 की वैल्यू 2 ओम है, माइनस करके आंसर। अगेन नॉन मेडिकल की प्रॉब्लम है, तो कैसे सॉल्व करना है आइडिया समझ में आ रहा है, जब PYQ करेंगे तो कैसे, देखो आपको बहुत टाइम लगने वाला है इन क्वेश्चन में PYQ में, पक्की बात है, और अगर आपने ये पूरे सुन रखे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम बचने वाला है। नेक्स्ट सेम, फिर से सेम प्रॉब्लम डाल दी पेपर में, फिर सेम सर्किट, तो वह कोई चेंज है ही नहीं मेरे को इसमें दिख रहा है। कह रहे 10 हेनरी गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है, बैटरी गिवन है, तो 2 सेकेंड आफ्टर द कनेक्शन इज मेड आपने इसको की को दबाया, करंट फ्लोइंग इन द एम्पियर इन द सर्किट, करंट क्या होगा, तो इस सर्किट का करंट क्या होगा ये आपको बताना है, और स्पेशली इंडक्टर में क्या होगा। तो I नॉट की वैल्यू मैंने जैसे ही तुम T इक्वल टू जीरो करोगे, सारा का सारा करंट इसमें से जाएगा, तो मैक्सिमम करंट क्या होगा, E/R1। तुमने क्या निकालना है, इसमें करंट क्या होगा, अभी हमने सॉल्व किया ही, तो ये करंट होगा और I नॉट की जगह E/R, 5 ओम के बना है, EV 5 के बना है, तो यहाँ सॉल्व करके आंसर। उसमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, इसमें सिर्फ करंट निकालना है। ये जो क्वेश्चन है ये रहा, ये क्वेश्चन मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों का क्वेश्चन है,
और ऑब्वियसली ये लेटेस्ट क्वेश्चन है। इससे आसान तो क्वेश्चन नहीं हो सकता। क्या निकालना है? वी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर। तो कैपेसिटर के अंदर एक काम करते हैं हम, यहाँ पर आई आर एम एस निकालने है ना। तो आपको ये एल सी आर सब गिवन है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? आई आर एम एस इंटू वी सी। अब वी सी इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू एक्स सी। एक्स सी तो निकाल ही लोगे 1/c ओमेगा से। ओमेगा तो आपको पता ही है 100 है। वी नॉट पता है तो वी आर एम एस भी आ गया। तो वी आर एम एस को जेड से डिवाइड करके आई आर एम एस आ गया। जेड तो निकाल ही लोगे, एल सी आर सर्किट सीरीज में है। तो इसके अंदर क्या निकालना है? इसमें आपको जब आई आर एम एस आ गया तो आई आर एम एस इंटू एक्स सी से इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये थोड़ा लंबा कैलकुलेशन है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। बढ़िया क्वेश्चन है ये, चेक करो। तो क्या क्वेश्चन है? इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस गिवन ड्रॉप्स टू 1/3 ऑफ द इनिशियल वैल्यू। तो ई नॉट से वैल्यू ई नॉट बाई 3 हो गई। कितनी देर में हुई? 6.6 माइक्रो सेकेंड में हुई, जब प्लेट्स को वायर से कनेक्ट कर दिया थ्रू रजिस्टर आर। तो एक अच्छा भला कैपेसिटर चार्ज था, दोनों प्लेट्स को आर से जोड़ दिया तो डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर हो गया, चार्ज डिक्रीज होगा। वो कह रहा है रेजिस्टेंस क्या होगी ये बताओ। तो इसका मतलब ये बात पक्की है कि पहले ई डैश ई बाई 3 है। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर क्या होता है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। थोड़ी देर के बाद चार्ज गिर गया, सिग्मा चेंज हो गया, सिग्मा डैश बाई एप्सिलॉन नॉट। तो तुम इन्हें डिवाइड करके ये टर्म ले आओ। तुम्हें पता है कि ई डैश कितना है? ई बाई सिग्मा। तो पहले सिग्मा सिग्मा था, चार्ज ज़्यादा था, अब चार्ज घट गया, सिग्मा डैश हो गया। सिग्मा क्या होता है? चार्ज बाय एरिया। पुराना चार्ज क्यू था, नया चार्ज क्यू डैश है, तो क्यू बाय क्यू डैश की रेशियो आ गई। तो यानी कि अब जो चार्ज है क्यू डैश वो क्यू बाय 3 हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 1/3 हो गया तो चार्ज भी 1/3 हो गया। ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लगा लिया, चार्ज 1/3 हो गया। तो क्यू इज इक्वल टू, ये डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर है, चार्ज की जगह क्यू बाय 3 हो गया, ये क्यू हो गया ई की पावर माइनस टाइम। ऐसा कब हुआ? 6.6 टाइम में हुआ। आर सी, अब आर नहीं पता, सी तो पता है। मैथ लगाना मैथ वाले लोगों के लिए है, आर निकाल लेना आंसर। लॉग में चलेगा ना, एक्सपोनेंट लॉग में कन्वर्ट होगा। ठीक है, यहाँ तक ये क्वेश्चन दोनों के लिए है, मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों। वेन क्वाइल इज कनेक्टेड अक्रॉस 20 वोल्ट डीसी सप्लाई, वोल्टेज पता है, इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। पहली बात तो डीसी सप्लाई है, इंडक्टर लगा भी होगा, उसका कोई रोल ही नहीं है। तो तुम इन्हें स्टेडी करंट है, तुम इन्हें डिवाइड करोगे तो आर आ जाएगा। इट इज कनेक्टेड अक्रॉस एसी सप्लाई, तो आर एम एस करंट आ गया। आपको क्या निकालना है? इंडक्टेंस क्या होगी? तो दो केस बनाओ,
पहले सिर्फ आर कनेक्टेड है, ओनली रजिस्टर। तो 20 को आई इज इक्वल टू 20/R, तो आई आपको पता है 5, पहला नंबर केस, तो और ई आपको वोल्टेज आपको पता है, यहाँ से आर आ गया। जब आर और एल दोनों कनेक्टेड हैं एसी सप्लाई में, तो आरएमएस करंट क्या होगा, 20/Z। अब जेड हो जाएगा करंट, तुम्हें 4 पता है, वोल्टेज वही 20 है, यहाँ से जेड आ गया। अब जेड क्या होता है, आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर। यहाँ आप जेड पुट करो, एक्सएल पुट, आर आपको आर की वैल्यू पता है 4, सॉल्व करके एक्सएल आ गया, एक्सएल सॉल्व करके एल आ गया, आंसर आ गया। ठीक समझ में आ रहा है? ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर भी हम बहुत किए थे, जब डीसी सप्लाई है तो सिर्फ आर आएगा और एसी में जेड आएगा। ठीक है यहाँ तक? नेक्स्ट, ठीक है, तो एल भी कनेक्टेड है और आर भी कनेक्टेड है और सीरीज में कनेक्टेड है, ये टर्म है क्या, जूल पर सेकंड पावर, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी। तो ये टर्म रिप्रेजेंट मैक्सिमम रेट, मैक्सिमम रेट, रेट नहीं मैक्सिमम रेट एट विच एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, हाफ एल आई स्क्वायर। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी क्या बनेगा, डी बाई डी टी ऑफ हाफ एल आई स्क्वायर। तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ बी बाई ए क्या, ये भी नॉन मेडिकल की प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले क्या करना है, एनर्जी क्या होती है, हाफ एल आई स्क्वायर। उसने रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी पूछा, तो इसको डिफ्रेंशिएट करके ये टर्म आ गई। मैथ्स के लोग समझ रहे हैं, फिर यहाँ तक रोक लो, क्योंकि इंडक्टर और रजिस्टर है तो करंट ऐसे इंक्रीज होगा। इसको डिफ्रेंशिएट करना, मैथ्स लगा के डी आई बाई डी टी निकाल लेना, इस डी आई बाई डी टी की वैल्यू को उठा के यहाँ पुट कर लेना और आई की जगह पुट कर लेना आई नॉट। आई नॉट का मतलब ई बाई आर, 1 - e की पावर - t/τ। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? पहले हमने ये निकाला, आई की वैल्यू लिखी, ये आई की वैल्यू है, इस आई को उठा के यहाँ पुट कर दिया और इसको डिफ्रेंशिएट करके डी आई बाई डी टी। तो डी आई बाई डी टी भी आ गया और आई भी आ गया, इनको उठा के यहाँ पुट करके डी बाई डी टी आ गया। और बात यहीं तक तो खत्म हो जाती तो भी कोई बात नहीं। वो कहता है जी मेरे को ये रेट मैक्सिमम चाहिए। अब मैथ के टीचर को याद करो, मैक्सिमम मिनिमा, तो कहते हैं जी रेट मैक्सिमम चाहिए, इसको उठा के इक्वल टू 0 कर दो। तुम्हारे से टाइम आएगा जब रेट मैक्सिमम है, फिर इस टाइम को उठा के वापस इसमें पुट करो, अब आएगा मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज, और फिर उसमें ए और बी को कंपेयर करके आंसर निकालो। ये तो भाई वाकई लंबा क्वेश्चन है, ये तो उल्टा मैथ्स ज़्यादा टेस्ट कर रहा है मैक्सिमम मिनिमा। ठीक है यहाँ तक? आजकल आ नहीं रहा ऐसा क्वेश्चन, बट फिर भी हम मेंटली प्रिपेयर हो रहे हैं कि अगर आए तो कैसे करना है। मैं स्टेटमेंट वापस लेता हूँ, 23 का है, आया हुआ है यार, लास्ट ईयर ज़्यादा ही हो गया थोड़ा सा, अब इसके सेट में आया मैं कुछ कह नहीं सकता, ये तो भाई करने वाली बात है। ये क्वेश्चन नॉन मेडिकल मेडिकल दोनों का है।
ठीक है, तो इसमें क्या क्वेश्चन है, ये आपके सामने डायग्राम गिवन है। करंट थ्रू द बैटरी आफ्टर द स्विच हैज़ बीन क्लोज्ड विल बी इक्वल टू, जैसे स्विच को आपने क्लोज किया तो इंडक्टर क्या कहता है कि ठीक है यार, मैं लगा तो रहूँगा पर मैं करूँगा कुछ नहीं, तो तुम मेरे को लगाओ ना लगाओ कोई फ़र्क ना पड़ता। तो ऐसे केस में ये तीनों के तीनों किस में कनेक्ट हो जाएंगे, इन पैरेलल। तो करंट निकाल लेना आंसर, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ आंसर आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट है, ये मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों के लिए। क्वेश्चन है, एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस एल पता है और कनेक्टेड इन सीरीज विद रेजिस्टेंस वेरिएबल कैपेसिटर एंड एसी सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। बस मुझे ये बताओ करना क्या है इसमें मैक्सिमम करंट के लिए। मैक्सिमम करंट सुनते ही क्या दिमाग में आ रहा है, रेजोनेंस। किसी बार हमने लास्ट पूरा लेक्चर इसी पे लगाया, आधा एक क्वेश्चन ही रेजोनेंस में। करंट एलसीआर में मैक्स कब होता है, जब जेड मिनिमम है, तो उसको क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती क्या है, एल ओमेगा इज इक्वल टू 1/C ओमेगा, सब कुछ गिवन है, सी निकाल लो आंसर। ठीक है, यहां तक। नेक्स्ट, ठीक है, तो इसमें ऐसा क्वेश्चन किया था हमने, क्या निकालना है, वी ए बी का मतलब क्या होता है, वी ए माइनस बी बी। मैंने बुकलेट में भी करके दिखाया था, ये वी ए करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, -2 × 12 है। फिर इंडक्टर आ गया, इंडक्टर में क्या होता है, -L dI/dt होता है। फिर प्लस से माइनस पे आ गए, तो -12 = VB। अब क्योंकि करंट इसमें डिक्रीज हो रहा है, कैसे, -1, तो माइनस माइनस अपने आप क्या हो जाएगा, प्लस। सब कुछ गिवन है, वी ए माइनस वी बी कैन बी कैलकुलेटेड आंसर। सब कुछ तो आई भी पता है, DI/DT भी पता है आंसर। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक कि कैसे वी ए माइनस वी बी निकलेगा इसमें, किया भी था, बताया भी था, ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये दोनों के लिए है। कोविड वाला बैच था ना, जुलाई कोविड बैच में 4 बार पेपर हुआ था मेंस का। गिवन सर्किट द करंट थ्रू दी बैटरी, देखो जब आप इसे क्लोज करेंगे तो इंडक्टर क्या कहता है, मैं तो करंट को पास होने दूंगा नहीं, तो अपना करंट यहाँ कर लो, तो कितना आएगा, 6/2 आंसर। क्या
आसान क्वेश्चन है, 6/2 आंसर, ठीक है। ओ सॉरी यार, सीरीज में छः छः ओम हो जाएगी, 6/6। यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस है ना, इसलिए इसका देखो यहाँ ना हिंट मिल जाता है, नॉन मेडिकल टाइप क्वेश्चन ही होगा, एक्सपोनेंशियल की टर्म आ रही है ना कहीं। तो इंडक्टर 10 mH का इंडक्टर है, 20 वोल्ट की बैटरी है, रेजिस्टर पता है। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वेन मैक्सिमम करंट इज सेटअप इन द सर्किट, लॉन्ग टाइम मतलब स्टडी, करंट इज स्विच्ड ऑफ, अब डीके ऑफ करंट स्टार्ट हो गया। तो करंट इन द सर्किट आफ्टर 1 μs इज इक्वल टू वॉट। तो देखो इसमें एल पता है, सब कुछ पता है, आई मैक्स वी बाई आर पता है। तो करंट जब गिरता है तो ऐसे गिरता है, तो आपको करंट निकालना है, आई मैक्स आपको पता है, आर आपको पता है, एल आपको पता है, टाइम आपको पता है, आंसर कुछ करना ही नहीं है, ऐसे वैल्यूज पुट करनी है। और ये है नॉन मेडिकल का ये क्वेश्चन में, हाँ ये क्वेश्चन मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों का है। तो क्या क्वेश्चन है, कंसिडर द इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो टू वे स्विच है, T2 T3 दोनों के साथ कनेक्ट हो सकता है T1। तो कह रहा है कि इनिशियली S ओपन है, ठीक है, स्विच ओपन है, T1 को T2 से कनेक्ट कर दिया। तो जैसे ही T1 को T2 से कनेक्ट किया तो करंट इसमें दौड़ेगा, शुरू में तो इंडक्टर पास होने देगा नहीं, लेकिन बहुत देर के बाद तो पास होने देगा। तो स्टेडी स्टेट आ गया, और मैक्सिमम करंट इंडक्टर में क्या हो सकता है, जब स्टेडी स्टेट हो जाएगी 6/6 यानी कि 1 एम्पियर, बहुत देर के बाद 1 एम्पियर करंट दौड़ेगा और इंडक्टर का कोई रोल होगा नहीं। अब इमीडिएटली, ये वर्ड इमीडिएटली है, इमीडिएटली आपने उठा के इसको T3 से ज्वाइन कर दिया, अभी इंडक्टर में करंट कितना दौड़ रहा था, मैक्सिमम 1। अब क्योंकि ये ऐसे कनेक्ट हो जाएगा, रजिस्टर के थ्रू इसकी डिस्चार्जिंग सॉरी डीके स्टार्ट हो जाएगा, करंट कम होना स्टार्ट हो जाएगा। अब वो कह रहे हैं कि इस केस में इमीडिएटली, जब आप दो बार लिखा इमीडिएटली, जैसे ही आपने इमीडिएटली जोड़ा तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। अब इमीडिएटली का मतलब टाइम लैग ही नहीं है, तो करंट कितना दौड़ रहा था, 1, और वो करंट इसने आर को भी दे दिया 1, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 3 × 1 3, 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। उसके बाद कम होते 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 0 होगा, लेकिन शुरू कहाँ से होगा, 3 वोल्ट से, आंसर 3 वोल्ट है। इमीडिएटली का मतलब है बिना किसी टाइम लैग के, समझ में आ रहा है आंसर 3 क्यों हुआ इसमें। तो क्या क्वेश्चन है, ये एक डायग्राम है जिसमें सी है, जिसमें क्यू है, जिसमें रेजिस्टर है, 5 मेगा 10^6 ओम है। एट टाइम T = 0
ई को क्लोज कर दिया, वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू दी रजिस्टर क्या होगा, दबाते करंट क्या होगा? पहले ये बताओ इसमें वी क्या होगा, वी क्या होगा, क्यू बाय सी होगा, वी आ गया। अब प्रॉब्लम ये है, दबाते ही कैपेसिटर प्योर कंडक्टर की तरह काम करता है और बिल्कुल रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करता। इंडक्टर करंट को पास होने देता नहीं है, कैपेसिटर सारे करंट को पास होने देता है। तो यानी कि कैपेसिटर के अक्रॉस क्या होगा, कैपेसिटर क्या कहता है कि मैं लगा तो हूँ पर करूँगा कुछ नहीं एट टाइम टी इक्वल टू जीरो, तो सारा वोल्ट इसको ट्रांसफर हो जाएगा, इसका तो लगाओ ना लगाओ फर्क नहीं हो रहा, तो वी सेम यही ले लेगा, तो वी बाय आर कर लेना, आंसर आ जाएगा करंट आ गया कैपेसिटर का, क्योंकि टी इक्वल टू जीरो पे कैपेसिटर ने कुछ करना ही नहीं है, तो सारा वी उसको ट्रांसफर कर जाएगा रेजिस्टर के क्रॉस, तो वी बाय आर आंसर, एक लाइन में आंसर। हालांकि इसने तो बहुत लंबा किया हुआ, एक्सपोनेंशियल जरूरत नहीं है। नेक्स्ट किया हुआ है सर, अभी किया था, वही पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट एसी सर्किट में इंस्टेंटेनियस करंट इज जीरो, ठीक है, वेर इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इज मैक्सिमम, तो ऐसा कब हो सकता है, करंट जीरो पे वोल्टेज मैक्सिमम, मैक्स के लोगो, जब वोल्टेज साइन में है और करंट कॉस में होगा, क्योंकि जब टाइम टी इक्वल टू जीरो है तो साइन जीरो क्या होता है जीरो और कॉस जीरो क्या होता है वन, और ऐसा कब होता है, या तो प्योर इंडक्टर हो कॉस साइन, या प्योर कैपेसिटर हो, या फिर कॉम्बिनेशन हो तो भी कॉस साइन में आ सकता है आंसर। तो इसलिए इसका आंसर ए बी और डी है, ए बी और डी ओनली, समझ में आ रहा है यहां तक। नेक्स्ट तो मैच दी फॉलोइंग करना है, ये प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है, प्योरली कैपेसिटिव कब होता है, मेरे ख्याल से यही होता है करंट और वो करंट आगे होता है, प्योरली इंडक्टर कब होता है ये होता है, एलसीआर सीरीज कब होता है ये होता है, इसी से आंसर मिल जाएगा, आगे करने की जरूरत क्या है, ठीक है आंसर आ गया। नेक्स्ट है सीरीज एलसीआर है, एसी सिग्नल है, वी आरएमएस गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, वोल्टेज ये वी आरएमएस गिवन है, ठीक है, तो ये वी नॉट क्या हो रहा है यार, ये सीरीज एलसीआर में एसी सिग्नल इसके अक्रॉस कनेक्टेड है तो ये वी आरएमएस है, इफ वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर इज 31.4, अच्छा ये वी एल है, वी एल है, वी एल क्या होता है आए RMS into कितना XL, तो करंट कितना है ये निकालना है आपको, करंट निकालना है, XL की वैल्यू क्या होती है L ओमेगा, ये आ गया IRMS आंसर, करना ही नहीं है इसमें, इसे तो ओम लॉ लगा दो, इसका क्या करोगे नहीं करके कुछ भी नहीं, यहीं से आंसर आ गया, ठीक ओम लॉ से आंसर आ जाएगा, देखो ये सीधा डिवाइड करके। नेक्स्ट पहला पार्ट तो पक्का ठीक है, इन सीरीज एलसीआर सर्किट करंट इन इज मैक्सिमम एट रेजोनेंस, सही है। सेकंड है करंट इन अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट कैन नेवर बी लेस देन इन सीरीज एलसीआर सर्किट व्हेन कनेक्टेड टू सेम वोल्टेज, वो क्या कह रहे हैं, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट पे करंट होता क्या है वी बाय आर, और एलसीआर में करंट क्या होता है वी डिवाइडेड बाय सेट, अब रेजोनेंस भी नहीं है तो यानी कि जेड बढ़ गया करंट घट गया,
क्योंकि जब LCR लगाओगे तो Z तो बढ़ ही जाएगा, करंट घटेगा, तो ठीक तो बोल रहा है, करंट जो है वो लेस होता है कब, जब आप LCR लगा देते हो। सही है, दोनों स्टेटमेंट सही चल रही हैं, तो सी आंसर है इसका। नेक्स्ट, तो LCR सर्किट रेजोनेंस पे है, तो फॉर कैपेसिटेंस सी, इंडक्टेंस एल एंड रेजिस्टेंस आर, नाउ द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज हाफ, कीपिंग ऑल अदर पैरामीटर सेम, तो करंट एम्पलीट्यूड क्या होगा रेजोनेंस पे, आई नॉट क्या होगा रेजोनेंस पे, तो आई नॉट क्या होगा, इसके लिए काम करते हैं। रेजोनेंस का मतलब जेड तो आर के इक्वल है, रेजोनेंस तो जेड आर के इक्वल है, और दूसरे केस में जेड आर बाई टू के इक्वल है, क्योंकि उसने बोला रेजिस्टेंस को हाफ कर दो। तो करंट क्या होता है, वी बाई जेड, एक में आर है, और अगर तुम रेजोनेंस के ऊपर वी बाई आर बोल रहे हो करंट, और अगर आपका आर हाफ हो गया तो आपका करंट क्या हो गया, डबल हो गया, आंसर डबल है, आर हाफ करने से करंट डबल हो गया, है तो रेजोनेंस ही। एक्सेल एक्सी कोई काम का है, कुछ भी काम नहीं है इसमें, 2024 ज़्यादा आसान आया है, तो बिल्कुल NCERT आया है, एक्सेल उड़ा करके मेरे को तो क्लियर हो जाएगा, मेरे को लगता है। तो तो इसमें कॉइल ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विद 90 ओम रेजिस्टर अक्रॉस 120 वोल्ट, तो वोल्ट मीटर रीड 36 वोल्ट अक्रॉस रेजिस्टर, इंडक्टेंस क्या होगी। देखो, पहली बात तो ये किस में कनेक्टेड है, एसी सप्लाई है, एसी सप्लाई है, आर पता है, ये वी आर पता है, तो अगर मैं वी एल निकाल दूं, क्योंकि तो टोटल वोल्टेज क्या होती है, अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर, अगर वी एल आ गया तो वहां से आई इंटू एक्सएल से एल की वैल्यू भी आएगी। देखो कैसे, पहले केस में क्या करना है आपको, ये तो बहुत लंबा कर गया, अपने मेथड लगा लेते हैं, तो आपको आर पता है, आपको इसमें वी आर एम एस पता, टोटल नेट वोल्टेज ही पता है, फ्रीक्वेंसी पता है, और वी आर पता है। तो मैंने क्या बताया, नेट वोल्टेज क्या होती है, अंडर रूट ऑफ वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल का स्क्वायर, नेट वोल्टेज आपको पता है 120 है, वी आर की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 36 का स्क्वायर है, यहाँ से सॉल्व करके क्या आ गया, वी एल आ गया, तो वी एल की वैल्यू आ गई। वी ऑफ एल होता क्या है, आई आर एम एस इंटू कितना, एक्सएल, तो वी एल तो यही होता है, तो वी एल की वैल्यू आ गई इसमें, वी एल की वैल्यू हमारे पास है, और मुझे वोल्टेज वी आर भी पता है, और मुझे आर भी पता है, आर भी पता है, तो ये दोनों पता है, तो आई आर एम एस आ गया, तो आई आर एम एस भी आ गया, तो क्या आ गया, एक्सेल आ गया, एक्सेल क्या होता है, एल ओमेगा, तो वहां से एल आ गया। क्लियर है यहां तक, ठीक। तो
ये भी सिंपल सीरीज का ही क्वेश्चन है इसका मतलब। तो बल्ब एंड कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस एसी सप्लाई, मतलब आर और सी एसी सप्लाई है, डाइलेक्ट्रिक को डाल दिया। तो एक बात बताओ, डाइलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटेंस बढ़ गई, कैपेसिटेंस बढ़ने से क्या हुआ उसमें, एक्स सी वन बाई सी ओमेगा, सी बढ़ने से एक्स सी घट गया, एक्स सी घट गया तो रजिस्टर के अंदर ज़्यादा करंट चला गया और बल्ब ग्लो कर गया, ब्राइट हो गया, मोर ब्राइट, इंक्रीज हो जाएगी ब्राइटनेस, बढ़नी चाहिए क्योंकि वो कह रहा है डाइलेक्ट्रिक डालने से सी बढ़ गया, सी बढ़ गया, एक्स सी घट गया, रेजिस्टेंस ओवरऑल घट गई, करंट बढ़ गया, ब्राइटनेस बढ़ गई, बढ़ेगी। क्वेश्चन है, इन सीरीज एलसीआर सर्किट कैपेसिटेंस इज चेंज फ्रॉम सी टू फोर सी, तो कैपेसिटेंस सी से फोर सी हो गई, टू कीप रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अनचेंज्ड, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज नहीं करनी, न्यू इंडक्टेंस क्या होगी भाई, जब तुम ओमेगा चेंज ही नहीं करना चाहते और तुम सी को चाहते हो ये चार गुना ज़्यादा हो जाए, तो एल को वन बाई एल बाई फोर होना पड़ेगा ताकि फोर से फोर कैंसिल, एल बाई फोर इज द आंसर। तो एल बाई फोर में से क्या आपको कह रहा है, रिड्यूस्ड बाई, रिड्यूस बाय में एल माइनस एल बाई फोर, थ्री एल बाई फोर दी आंसर। तो इसमें एक कैपेसिटर गिवन है जिसकी कैपेसिटेंस है इस चार्ज टू अ पोटेंशियल ऑफ 12 वोल्ट एंड कनेक्टेड टू 6.4 मिली हेनरी इंडक्टर टू प्रोड्यूस ऑसिलेशंस, मैक्सिमम करंट इन दिस सर्किट विल बी इक्वल टू व्हाट। देखो तुम्हें सी पता है, तुम्हें वी पता है, तुम्हें एल पता है, मैक्सिमम करंट निकालना है। देखो एक पॉइंट समझ लो, मैक्सिमम करंट निकलता कैसे ये समझ लो, जब हमने एल सी ऑसिलेशंस की थी, आप चेक कर सकते हो, मैंने एक्स्ट्रा प्रिंटआउट भी दिया था इसका, तो उसका फॉर्मूला ये था, अगर आप चेक करो, चार्ज एस एच एम में मूव करता था जिसका ये फॉर्मूला है, तुम दोनों तरफ डी बाई डी टी कर लो तो तुम्हारे पास करंट आ जाएगा। तो करंट की वैल्यू क्या आएगी, आए यहाँ पे क्या आएगा, क्यू नॉट बाहर आ गया, कॉस की डिफ्रेंसिएशन क्या है, माइनस साइन ओमेगा टी, और इंटू डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी क्या है, ओमेगा। तो आई की वैल्यू आएगी माइनस क्यू नॉट बाई ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी, पर क्योंकि उसने आई मैक्स पूछा तो साइन की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी, वन। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, क्यू नॉट इंटू ओमेगा। तो मैक्सिमम करंट एलसी ऑसिलेटर में ये होता है, पर इस ये कहानी उसको पता है जिसको एलसी ऑसिलेटर की डेरिवेशन पता है, जो हमने क्लास में की थी,
और ऑब्वियसली वो एनसीईआरटी का पार्ट नहीं था। तुम सॉल्यूशन भी पढ़ोगे तुम्हें समझ में नहीं आएंगे क्योंकि शॉर्टकट मार रखे हैं, फिर कहोगे फिर इसमें मुश्किल लगती है। ठीक है, तो इसके अंदर ओमेगा 1/√LC होता है LC ऑसिलेटर में, और क्यू नॉट क्या होता है C × V आंसर। ठीक समझ में आ रहा है यहाँ तक? बस पी वाई क्यू की किताब खत्म होनी चाहिए, फिर तो हो ही जाएगा। यार तुम्हें खुद ही पी वाई क्यू करके पता लग तो जाता है कि पेपर कैसा आ रहा है। तो देखो इसमें वोल्टेज पता है, करंट पता है, पावर डिसिपेशन एवरेज
क्या होगा? ई वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, फाई तो पता ही है, वी नॉट से वी आर एम एस, आई नॉट से आई आर एम एस कॉस फाई, आंसर ठीक। नेक्स्ट बता दूंगा, नेक्स्ट लेक्चर यहीं से स्टार्ट है, पहले 15 मिनट में बताऊंगा कि क्या स्ट्रैटेजी यूज करनी चाहिए, फिर आगे चलना। बस एलसीआर सर्किट में ये वैल्यू गिवन है, पावर फैक्टर कितना है 1/√2, पावर फैक्टर होता है क्या, कॉस फाई आर बाई सेट। इफ सोर्स ऑफ ईएमएफ चेंज है तो न्यू पावर फैक्टर क्या होगा? तो एक काम करते हैं, केस नंबर वन, पावर फैक्टर तो आर बाई जेड होता है, आर एल सर्किट है, कॉस फाई की वैल्यू आर बाई जेड है, जेड इज एलोमे एक्सएल इज एलोमेगा, ये 1/√2 है इक्वेशन नंबर वन। ये मेडिकल में नहीं आएगा, नॉन कैलकुलेशन ज़्यादा है, बाकी मैं कह नहीं सकता, तुम एक बार सीख लो, हो सकता है आ भी जाए। तो इसमें 1/√2 की वैल्यू आ गई आर बाई जेड। दूसरे केस में कॉस फाई टू पावर फैक्टर है आर बाई एक्सएल, एक्सएल में ओमेगा चेंज हो गया। अभी तुम इसे और इसे साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आंसर निकाल लो, आंसर कॉस फाई आएगा, मतलब बेसिकली तो यहाँ से आर निकलेगा, उस आर को यहाँ पुट करके कॉस फाई निकलेगा। ऐसे पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक कि कैसे इस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दो बार आ रखे मैं बता रहा हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये वोल्टेज गिवन है आपको, इसमें दो केस बनेंगे, आपको समय बताना है, टाइम बताना है टेकन फॉर करंट टू राइज फ्रॉम हाफ ऑफ द पीक वैल्यू टू द पीक वैल्यू। मतलब मेरे को क्या करना है, I नॉट बाई टू से लेके I नॉट तक जो करंट आया इसका समय निकालना है क्या है। तो तुम एक काम करो, वोल्टेज का फॉर्मूला तुम्हारे पास है, तुम इसमें केस नंबर वन में वोल्टेज को, और ये सर्किट है कौन सा, प्योरली रेजिस्टिव, तो करंट का फॉर्मूला क्या आएगा, 220 को 50 से डिवाइड कर दो, ये क्या आ गया, करंट आ गया, करंट आ गया। केस नंबर वन में I को क्या पुट करो, I नॉट बाई टू, ठीक, I नॉट बाई टू पुट करो, और मान लो ऐसा होने में समय कितना लगता है, T1, यहां से T1 निकाल लेना। फिर केस नंबर टू में तुम एक काम करो, करंट मैक्सिमम कब हुआ ये निकाल दो, तो मैक्सिमम करंट की वैल्यू में I की जगह पुट करें I नॉट साइन ऑफ 100 पाई T2 ऐसे, तो यहां से क्या जाएगा, यहां से T2 निकाल लेना कितना है, T2 वैसे तो ये कट ही जाएगा I नॉट से I नॉट क्योंकि I नॉट ही तो होता है, तो इसमें T2 निकाल लेना। अब तुमने क्या निकाल लिया, I नॉट बाई टू होने का टाइम T2 निकाल लिया, I नॉट बाई टू होने का टाइम T1 निकाल लिया, और I नॉट होने का टाइम T2 निकाल लिया, पर तुम्हें क्या निकालना है, यहां से यहां का टाइम, तो फाइंड T2 माइनस T1, दोनों को माइनस करके आंसर आएगा।